अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज की वीडियो में बल्कि एम वी व्लॉग एपिसोड 1 के अंदर। तो बहुत से पहले मैंने सोचा था कि ट्रैवलिंग व्लॉग्स से हट के मैं कुछ रेगुलर व्लॉग्स की तरफ आऊँगा। एम वी व्लॉग जो मेरी लाइफ है पर्सनल, वो मैं शो करूँगा आपके साथ कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो उसका मैंने नाम रखा है एम वी व्लॉग। तो एपिसोड 1 के अंदर आज अभी हम लोग निकल रहे हैं इस तैयारी के साथ पी सी जा रहा हूँ। पी सी में बेसिकली ऑफिस की तरफ से इवेंट है, तो मुझे वहाँ पर मेरे नए प्रोडक्ट के ऊपर मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं पीसी के अंदर व्लॉगिंग अलाउ है या नहीं है। सो जितना हो सका पॉसिबल मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे सिर्फ एम ही बातें होनी है, सिर्फ एम ही बातें सारी। तो तबीयत मेरी बड़ी ख़राब है और मौसम चेंज हो रहा है लाहौर का, ठंड बढ़ रही है, गला ख़राब है अभी भी। हाँ, तो आज डॉक्टर को भी दिखाना है, तो आगे मिलते हैं फिर रोड के ऊपर, ठीक है, एम ही बातों के साथ। तो रोड पे मिलते हैं फिर। ओहो, अच्छा जी, घर से निकलने से पहले दो पिक्चर्स ली हैं। हाय 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 हाय, क्या आला फोटो आई है, फोटो। बाइक चेक कर रहे हैं, हैं जी, लश। अच्छा, कल एक हार्ले डेविडसन की मैंने साउंड सुना, इसका जो मुझे आइडिया हुआ है ना, इनका साउंड बहुत लाउड होता है, बहुत लाउड होता है, लेकिन ऐसा लाउड होता है कि वो कानों में चुभता नहीं है, उसकी एक धमक होती है। मे भी मैंने पहले किसी वीडियो में तस्करा किया हो कि घर के पास जो रहते हैं एक नेबर, उनका मेहमान आता है हार्ले डेविडसन पे, वो जब बाइक लेके आता है तो मेरे रूम की खिड़कियां थरथरा रही होती हैं उसकी धमक से। मैं स्पेशली बाहर निकल के उसका साउंड सुनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वन डे, इंशाल्लाह। जो लोग बेनेली प्रो का पेज फॉलो कर रहे हैं आजकल, अदनान भाई, ओहो हो, रोक लिया, चलान हो रहा है इनका। अच्छा, आजकल अदनान भाई TRK 251 बेनेली उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, और मुझे लगता है वो मुझे ना जलाने के लिए पिक्चर्स लगाते हैं वो। यार, टूरिंग बाइक है और क्या कमाल लुक है उसकी। मैं सोच रहा था कि काश इस बाइक के ऊपर पैनियर्स लग जाएं, ऊपर टॉप बॉक्स आ जाए एक, तो वो जो शशके थे वो वैसे ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह वन डे बेनेली TRK 251, इंशाल्लाह। सो ये आ गया अब कलमा फ्लाईओवर। जो लोग पुराने लाहौरी हैं या जिन्होंने विज़िट किया हुआ है, यहाँ सेंटर में चौक था जिसके ऊपर ऐसे ही एक मीनार सा बना हुआ था जिनको हम बोलते थे कलमा चौक। तो ये बेसिकली कलमा चौक था, अब ये फ्लाईओवर है, नीचे से अंडरपास जा रहा है, और इस साइड पे है मेन बुलेवार्ड। इस्लामाबाद वालों, मुनाल भी यहाँ पे है एक, मुझे पता है यहाँ से एक आवाज़ आनी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, मुनाल तो सिर्फ वही वाला ही है और बहुत प्यारा डेफिनेटली है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से जो सिटी का व्यू नज़र आता है वो बहुत प्यारा। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर की थी एक लोकेशन, मैं बेसिकली होटल 1 में था जो कि गार्डन टाउन में है, तो वहाँ से भी लाहौर को आप वैसे ही ऊपर से देखें ना, मैंने आइडिया लगाया तो वो आपको वैसे ही प्यारा लगता, लाहौर लाहौर है। रिक्शा अगर आप सड़क के बीच में खड़ा कर देंगे तो डेफिनेटली पीछे आने वाले ट्रैफिक जाम होगी, वेरी बैड, वेरी बैड। लाहौर वाले हो, नहर से कौन कौन आया है, मैं भी बचपन में, क्या ठंडा पानी होता है यार, मज़ा आ जाता है। अच्छा, नहर पे नहाने का मज़ा आता है सोजो वाटर पार्क से पीछे वाले एरिया में, जहाँ से BRB से नहर निकलती है और सोजो वाटर पार्क के बीच का एरिया, ये यहाँ पे मज़ा आता है नहर में नहाने का, लेकिन बहुत ही पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। अच्छा भाई, इस टाइम लाहौर का मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है,
मज़ा और दुबला होता अगर तबीयत मेरी सेट होती, लेकिन ये जो गला ख़राब होता है ना वो उलझन होती है इसे बहुत। खैर माल रोड पे हम लोग आ चुके हैं और माल रोड पे बाइकर्स की लेन अलग हो चुकी है। ये देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड है, ये इन्होंने टोटली डिवाइड कर दिया फॉर बसेस एंड बाइक। एक बात मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे गाड़ियों से ज़्यादा बाइक्स हैं, तो क्या ये चीज़ जस्टिफाई कर सकती है दो लेन गाड़ियों के लिए, एक लेन बाइक प्लस बस के लिए? ऐसे ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया, पूछना चाह रहा हूँ। वैसे सवाल ना आवाम से पूछना चाहिए, जो सिग्नल पे खड़ी होती है लेकिन जहाँ पे स्टॉप करना है उस लाइन से आगे निकल के ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर बाइक खड़ी कर लेंगे अपनी या गाड़ी। यार एक सेकंड के फर्क से कौन सा मार्ग का मार लेंगे जनाब आप लोग, कौन सा मार्ग का? शोर्टली कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है तो पैदल चलने वाले हैं उनकी जगहों पे ना आए, ये भी किसी का हक मार नहीं है बेसिकली। कायदे मिल्लत पार्क का एक ऐसी है जो पीछे से बिल्कुल सामने है, सॉरी पहले है, नाम भी लिखा होगा इधर। सॉरी मादरे मिल्लत पार्क है ये। अब बेसिकली मुझे यहाँ से होना है लेफ्ट और यहाँ पे अपनी एंट्री करानी है पीसी में। ये सामने है पर्ल कॉन्टिनेंशियल और ये एंट्री है यहाँ से बाइकर्स की मोटरसाइकिल। शुक्रिया शोर्डली मुझे बाइक आगे लगानी पड़ेगी। मसला सिर्फ ये होता है कि ऐसी जगहों पे सिक माइंडेड पीपल होते हैं जिन्होंने करना ये है कि ना कोई काम ना कुछ और, बस जाते हुए कुछ ना कुछ नुकसान कर देंगे, बाइक का या हो या गाड़ी का हो किसी का भी, तो ऐसे लोग पाए जाते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फाइनली डन मी ट्रेनिंग एंड नाउ गोइंग टू होम। शायद घर में ना जाऊँ, हसन से मुलाकात करनी है, यू नो बचपन के फ्रेंड्स चड़ी बड़ीस। चश के कुछ दिखा नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे काम करना था, तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहकर अपना ये काम भी एडजस्ट करूँगा, तो दैट्स नॉट गुड फॉर माई प्रोफेशनल वर्क। लिटरली मुझे इस टाइम उलझन हो रही है, मैंने जो हेलमेट पकड़ा हुआ है और उसके साथ मैंने बैग पहना हुआ और मैं चल रहा हूँ और बस बाहर निकलूँ, बाइक पे बैठता हूँ, बाइक पे बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। अच्छा ऐसे ही बाहर जाते वक्त मुझे याद आया कि बहुत पहले तकरीबन शायद 2013 के अंदर मैंने एक इवेंट किया था एक कंपनी के साथ, फोटोग्राफर था मैं उनका प्रोफेशनल, तो 3 दिन का वो इवेंट था, तो यहीं पे मैंने वो इवेंट किया था कवर। सो यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ और निकलने लगा हूँ मैं खुली फिजा के, खुली फिजा में सुकून से व्लॉगिंग करेंगे। अच्छा यहाँ पे व्लॉगिंग अलाउ नहीं है, वैसे यूजली ऐसी जगहों पे अलाउ नहीं होती व्लॉगिंग और इस पर कोई बहस भी नहीं की जा सकती, अगर नहीं है तो भाई नहीं है। सो मैं यहाँ से अब यू टर्न लूँगा और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ हसन के पास। आज मेरा हम नाम एक और बंदा भी आ रहा है मेरे से मिलने, शेरोज, ये भी बचपन का फ्रेंड है बड़ी। ये सामने है गवर्नर हाउस और यहाँ से हो गया मैं वापस। चलो अच्छा माल रोड की खासियत की है यूजली असल तो यहाँ पे कि अगर आपको एक इशारा ओपन मिल जाए तो आगे आने वाले जितने भी आपको सिग्नल्स हैं आपको ओपन ही मिलते हैं। सॉरी इस टाइम मैं उस शख्सियत के पास हूँ जिसका पेट 2 इंसानों के पेट के बराबर है। सीधा क्यों हो रहा है? नहीं मैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और स्ट्रीट फूड वाला बंदा ही, स्ट्रीट फूड व्लॉग याद है? नहीं, डिफरेंट टाइप अंडे वाले बर्गर। ये बेली मेरी जोन सी है, वो
पैक्स के साथ है, लेकिन एक पैक है गलती से, फैमिली पैक। फैमिली पैक नहीं यार, शुरू में जिम जाना स्टार्ट कर दिया, शायद आपको चीज का आइडिया नहीं है। कैमरा ऑन ना उतना, तो वो एक इशारा करना था मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं। सो एक बंदे को मिस कर रहे हैं फिल वक्त हम यहाँ पे, जिसका नाम है उस्मान अब्बास। मैं तो कह रहा हूँ, मैं रीज़न दे रहा हूँ ना क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब तीन लड़के एक जगह मौजूद हों तो यकीनी तौर पे दो बंदे हंस रहे होते हैं और एक बंदा रो रहा होता है। सही है। उस्मान वो बंदा है। उस्मान वो आला किस्म की शख्सियत है, जिसका लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे इस वजह से जो था उसी की हो रही होती है। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीरीज होंगी एमी व्लॉग की, उसके अंदर ये दोस्तों की गपशप, हंसी मजाक, ये सारी चीज़ों का भी तड़का होगा इंशाल्लाह, ताकि इस चीज़ों का फिर मज़ा आए। बिल्कुल, क्योंकि एमी व्लॉग का कोई मकसद तो है नहीं, बस एमी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय। आई टू आई वो ना वो बंदा क्लेम कर देता है ना। गाते हुए थोड़ी याद ही बीबी को किया। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।